हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका जाना पहचाना होस्ट इन दोस्त डॉक्टर दीपक अडवाणी और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल होम्योपैथिक वाइंस पर। जैसा कि आप सब लोग मेरे अंदाज से चिर परिचित है कि मैं आप लोगों के लिए डे बाय डे न्यू वीडियोज लॉन्च करता हूं रिगार्डिंग होम्योपैथिक मेडिसिन एंड डिजीज के बारे में आपको विस्तृत रूप से जानकारी देने का प्रयास करता हूं। तो आज इसी चेन को मेंटेन रखते हुए लक्टांड्रा ब्लैक रूट, जिसका कॉमन नेम होता है, इसके बारे में मैं डिटेल रिव्यू देने वाला हूं। आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, आपके ब्लड डिटॉक्सिफायर, लिवर फंक्शंस के लिए बेहतरीन औषधि है। तो आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, स्किप न करें। आपको अगर पसंद आता हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब बटन प्रेस करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर पुश करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स कलीग्स में जरूर सर्कुलेट करें इसको। तो आइए लेट स्टार्ट कर लेते हैं। लक्टांड्रा, जिसका कॉमन नेम होता है ब्लैक रूट, इसको हम वैसे जानते हैं वर्निकास्टम वर्जिनिकम। ये यूएसए कनाडा में पाया जाने वाला इम्पोर्टेड प्लांट हब है, जिसे इंडिया में इम्पोर्ट किया जाता है। इसकी खास बात यह होती है कि एक पेरिनल हब होता है, जो कि क्वाड्रेंगुलर स्टेम होता है इसका। ज़्यादा लंबाई नहीं होती इस पौधे की, अप्रू 2 to 3 सेंटीमीटर तक की हाइट होती है। लीव्स लैंसियोलेट टाइप की होती है। इसके अंदर निहित होता है लक्टांड्रीन, जो कि एक प्रकार का एल्केलॉइड है। गम पाए जाते हैं, सेपोनिन, शुगर, टैनिन पाए जाते हैं, और इसके साथ साथ वोलेटाइल ऑयल पाए जाते हैं, जो कि इस मेडिसिन को अच्छी ताकत प्रदान करते हैं हमारे मेडिकल सिस्टम में होने की। और इसकी खास बात आपको बताना चाहूँगा कि इस होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है इसके राइजोम और इसके स्पेशल जो रूट्स होती हैं, जिसे ब्लैक रूट कहा जाता है, उससे मेडिसिन प्रिपेयर किया जाता है। लोअर पोटेंसी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है, इसीलिए जब भी आप लोग लक्टांड्रा का यूज़ करें तो 1x या मदर टिंचर में ही यूज़ करें। आगे मैं आपके सिम्टम्स और डिजीज डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा कहाँ कहाँ पर इसका उपयोग किया जा सकता है। ये बेसिकली आपके ब्लड और बॉडी डिटॉक्सिफायर का काम करती है। जितने भी वेस्ट मटीरियल हैं बॉडी से, उसको रिमूव करती है। बाइल स्टिमुलेंट का काम करेगी, और जो इसके स्मॉल डोजेज हैं वो लीवर और गॉल ब्लैडर के सभी तरह के डिसऑर्डर्स को मेंटेन करने का काम करते हैं। आइए विस्तृत रूप से समझेंगे कि किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, लिवर बेसिक रेमेडी है, जॉन्डिस के अंदर काम में आती है। पीलिया जिसे कहते हैं, पीलिया के अंदर पेशेंट्स को देखिए आप, ब्लैक टैरी, ब्लैक कलर का स्टूल होता है, राइट साइडेड पेन होगा, पेशेंट का जी मचलाएगा। अगर जॉन्डिस डायग्नोस हो जाता है, पीलिया डायग्नोस हो जाता है, तो लक्टांड्रा का उपयोग हम 15 से 20 बूंद 1/4 कप मदर टिंचर का लेंगे, सुबह दोपहर शाम 3 बार दिन में लेंगे, तो अच्छे सिम्टम्स हमको प्राप्त हो सकेंगे, अच्छा लाभ हमको हेल्थ पर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपके जो एनफीबल पोर्टल सर्कुलेशन है, पोर्टल बाइल से संबंधित हो गया, बाइल सही तरह से नहीं पहुंच पा रहा, जिसकी वजह से जॉन्डिस की समस्या हो रही है। और आपको बताना चाहूँ, हेमोरॉइडल जितनी भी कंप्लेंट्स हैं पाइल्स की, वो भी इसी लिवर से जुड़ी हुई हैं, उसके अंदर भी अच्छा काम करता है। इसके साथ साथ फ्लैक्चुलेंस, ब्लॉटिंग, पेट का फूल जाना, डिस्कम्फर्ट होना, पाइल्स के पेशेंट्स की बात कर लें, वही सिम्टम है, कब्ज रहना, अनइजीनेस रहना, आफरा आना, इस तरह की चीज़ों में लक्टांड्रा का उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ इससे हम जानेंगे कि ये मॉडरेट लग्जेटिव का भी उपयोग करता है। जिस तरह से इसबगोल की भूसी हम लोग खाते हैं पेट साफ करने के लिए, उसी तरह का लक्टांड्रा हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अमृत के समान काम करता है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। इसीलिए ओलेंसोल हम याद रखेंगे, अगर पीलिया हो, मलेरिया हो, ब्लैक टेरेस स्टूल हो, पाइल्स की कंप्लेन हो, पेट से डिस्कम्फर्ट जैसी हालत हो रही हो, पेशेंट को आफरा हो रहा हो, पेट फूल रहा हो, जलन हो रही हो, पाइल्स हो, तो इस मेडिसिन का उपयोग 15 से 20 बूंद सुबह दोपहर शाम 1/4 कप पानी में उपयोग करेंगे, तो अच्छे रिजल्ट हमको देखने को मिल सकते हैं। ये हुई लक्टांड्रा ब्लैक रूट के बारे में विस्तृत जानकारी। अगर इसके अलावा अगर आप कुछ भी ज्यादा जानकारी प्राप्त करने की इच्छा रखते हो, तो बिल्कुल हमारे चैनल के साथ जुड़े, डिस्क्रिप्शन लिंक जरूर चेक करें, वहां पर सारे लिंक्स मौजूद हैं। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं जल्दी आपके समक्ष हाजिर हूंगा, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।